मीडिया वालों से भी मेरी गुजारिश है, आप लोग जो है ना मस्जिद कौन बनाए, किसका जो है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, कौन इसको मेंटेन कर रहे हैं, आज 1999 से जो है ना उसका क्या पोजीशन था, क्या है आज, कैसी हुई तो साजिद देखना ना, बगैर उसके लेके भी उन्होंने बोलते रहे वाली साहब बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। आज मस्जिद इस्माइल अंबरपेट का आज मैं वक्फ बोर्ड के पूरे हमारे वक्फ बोर्ड के ऑथराइज ऑफिसर, हमारी टास्क फोर्स टीम, हमारे इंस्पेक्टर और लोकल के वहाँ के पुलिस के आला ऑफिसर्स, जीएचएमसी के, आरएनबी के और कॉन्ट्रैक्टर्स, उन तमाम लोगों के साथ आज मैं वहाँ पर मस्जिद का जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उसका मैं आज मायना किया हूँ। क्योंकि बहुत पिछले 2-3 दिन से एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि मस्जिद को कुछ तोड़ा जा रहा है, मस्जिद का कुछ हिस्सा महंदम किया जा रहा है ये फ्लाईओवर को। इसलिए कई नुमाइंदगियाँ मेरे पास आए हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, कई और मीडिया के जरिए भी आए। तो मैं आज खुद मैं पूरा तफसीलात जानने के लिए मैं खुद फील्ड पे गया था वहाँ पे। तो वहाँ पर मस्जिद इस्माइल जो है वो वक्फ के तहत आती है, उसके निगरानकार है दूसरे लोग उस है वो, तो वो लोग उनका एक फैमिली डिस्प्यूट है, वो तो अलग अलग चचेरे तायरे भाई है वो लोग, उनका कुछ अपना आपस में डिस्प्यूट है। तो वहाँ पे 2-3 उनके खानदान के 3-4 मज़ारे हैं। तो फ्लाईओवर से मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं है, मस्जिद से 25 तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से वो फ्लाईओवर जा रहा है, वो उससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं है। एक एक बहुत बहुत पुरानी खबर है तो उसके ऊपर से वो लोग एक सीमेंट का है सो एक, एक आर्च के ऐसा बना दे के उसको ऊपर से फ्लाईओवर से वो करें। हाँ, रहा मस्जिद का मसला, तो वहाँ पर जो मेजर मसला है ये इशू जो आ रहा है सर्विस रोड को लेकर आ रहा है, जो फ्लाईओवर के दो बाजू से जो रोड जाती है वो सर्विस रोड को लेके आ रहा है। उसमें उन्हीं हजरात में से उन्हीं वो 3-4 जो खान फैमिली के लोगों में से एक लोग कोर्ट को गए हैं, तो उसमें कोर्ट का डायरेक्शन ये है, वो लोग कोर्ट में जो लोग सब लोग अग्री किए हैं कि खबरस्तान खबर वगैरह को तो डिस्टर्ब ना होते हुए अलग साइड से अगर एक रैंप अगर डालेंगे तो उसके लिए हम अग्री हैं करके कोर्ट में वो लोग अग्री करें कोर्ट में वो लोग पूरे लोग। तो उसके बाद फिर उन लोगों में अलग अलग कुछ डिफरेंसेस आए, तो अलग कुछ अलग मीडिया को गया, कुछ और कुछ अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे पास आए तो हम आज जाके विजिट किए हैं। तो मैं देखा हूँ तो 20 से 25 फीट तक मस्जिद को कोई नहीं है और मस्जिद को किसी किस्म का भी कोई धोखा नहीं है, किसी किस्म का कोई। रहा मसला जहाँ पर खबर वो सर्विस रोड का है, वहाँ पर 3 ऑप्शन है। वहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि वो फ्लाईओवर के बाजुक से एक 10 फीट का, एक 10 फीट से 10 से 12 फीट का एक रैंप बना के ऊपर से छोटा सा, वो भी एक ब्रिज के जैसा बना के खबरों के ऊपर से लेके चले जाएंगे, नीचे खबरें रहेंगे, मस्जिद को कोई डिस्टर्ब नहीं है। वो एक एक पार्टी का एक लोगों का प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल ये है कि मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकाल लीजिए। अगर मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से अगर आप हम मस्जिद फ्लाईओवर के बीच सॉरी मस्जिद और फ्लाईओवर के बीच में से एक सर्विस रोड निकालते हैं तो मस्जिद का तकरीबन कम से कम एक 10 फीट का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तीसरा यह है कि वहां से हम सर्विस रोड को ही बंद कर देके अल्टरनेट दूसरा डायवर्शन करने के लिए एक है। तो इसमें मैं 2 चीज के ऊपर वहां पे आज ऑफिसरों से बात किया हूँ और उनको यही बोला हूँ कि मैं आप ये सिर्फ मेन ब्रिज का काम कीजिए, मेन ब्रिज के काम में भी कहीं पर भी पुराने मजारों को कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, और वहां के जो खानदान के लोग हैं उनको भी ऑफिसरों के सामने उनको भी हिदायत दीजिए कि आप जब भी वहां पे काम करेंगे आप ये लोग वहां पर ठहरेंगे। और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिसर्स का ये हमारे अश्योरेंस था कि हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे किसी किस्म के मस्टर यूज नहीं करेंगे, हम मैनुअल काम करेंगे, मैनुअल दीवार उठाएंगे ताकि खबरों को कोई डिस्टर्ब ना हो और खबर को कोई डिस्टर्ब होने का कोई वहां पर चांस नहीं है। अब मेजर मसला जो आ रहा है वहां पर सर्विस रोड का आ रहा है, सर्विस रोड का ये जैसा खत्म हो जाएगा ब्रिज का काम, उसके बाद हम सर्विस रोड का देखेंगे। हम तो वहां पर क्लियरली ऑफिसर्स को और सभी लोगों को जो ये डिमांड कर रहे थे कि वहां पर नीचे से आप सर्विस रोड बनाइए, मस्जिद का हिस्सा कुछ टूटेगा तो भी कोई फर्क, तो हमने उसको बिल्कुल नामंजूर कर दिया उसको, ये आपको बाजू से एक छोटा ब्रिज बना लीजिए लेकिन मस्जिद का 1 फीट भी हिस्सा, मस्जिद का किसी भी किस्म से उसका स्ट्रक्चर का हाथ लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्योंकि चाहे कोई भी बनाओ वहां पर लोकल के लोग किसी ने हमारे दादा हमारे वालिद बनाए बोल के क्लेम करे तो हमारा क्लियर स्टैंड था वहां पे, एक बार मस्जिद बनती है एक बार कब्रस्तान होता है तो चाहे कोई भी बनाओ उसका प्रोटेक्टर वक्फ बोर्ड होता है, हम उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऑफिसरों का भी हमारे आज पूरे डिपार्टमेंट्स का आरएनबी का जीएचएमसी का महकमे पुलिस का और कॉन्ट्रैक्टर के चारों की तरफ से वहां पर यह तयखुन दिया गया कि हम ये मेन ब्रिज से हटके मेन ब्रिज के बाद हम आपस में बैठ के एक कौन सा सूटेबल रहेगा, मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं होना, लोकल के लोगों के भी एडवाइस भी अपने को उनके मद्देनजर रखते हुए क्या सूटेबल होगा हम डिसीजन लेंगे। इसलिए अब मस्जिद को किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। जहां तक रैम का सवाल है, अगर रैम बनाना बेहतर रहेगा या फिर डाइवर्ट करना बेहतर रहेगा, अगर हम नीचे से वहां पर अगर सर्विस रोड बनाएंगे तो यकीनन मस्जिद का हिस्सा कुछ डिस्टर्ब होगा, हम उसके लिए अग्री नहीं है। और ऑफिसर्स भी उसके लिए बता देंगे सब आप लोग जैसा डिसीजन लेंगे हम उसके लिए हम करेंगे। ये आज मेरे दौरे का मकसद था। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उमरा का फरीजा अदा कीजिए अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में खयाम, तीन वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज्यारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा, अलहीन के साथ उमरा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उमरा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीजा और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर बाबू खान स्टेट बशीरबाग हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 0402956292।